जय श्री राम। सभी दीदी भैयारों की लाने और आप और कैसे हो हमें लाने कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन कौन दीदी भैया हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमारे लाने कमेंट करके जरूर बता दिए। और आपकी बहन आज वीडियो में का लेके आई है तो आप और हम बता दें कि हमारी जी ब्लॉगिंग वीडियो है तो आप और हम अपने ब्लॉगों के जरिए मतलब ब्लॉग वीडियो के जरिए आप और से जुड़ने की कोशिश कराते हैं, आप और से दिल की बात शेयर कराते हैं और आप और की जान भी की कोशिश कराते हैं कि आप और कमेंट करके हमें बताओ कि हम आपकी लाने वीडियो बनाते तो कैसे लगाते कैसे नहीं लगाते। मेहनत तो हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे मतलब हम सब कर रखा है, हमें तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज अपन चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव की शादी के बारे में। अब आप और सोच रही हो गुरुदेव की शादी के बारे में बहुत से वीडियो बन चुके हैं और हर कोई गुरुदेव की शादी के बारे में वीडियो बना रहा है तो हम वैसे ही अपन गुरुदेव की शादी की इंतजार कर रहे हैं। कितने सारे जने आँखें फूटी जा रही इंतजार करत करत बैठे हैं कि गुरुदेव की शादी की कछु खुश खबरी आए, अपनी सरकार की शादी के बारे में कछु खबर मिले। और बहुत से लोग हमें डांट भी लगा रहे हैं कि आप गुरुदेव के बारे में वीडियो नहीं बनाओ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में वीडियो नहीं बनाओ, उनके वीडियो बना रहे हो तो आप आपको चैनल का खराब हो जाए, आपको चैनल बंद कर दो जे है, या ऐसी हमारा ने धमकी दे रहे हो या सलाह दे रहे, जो तो हमें भैया नहीं समझ में आ रहे कि हमारा ना धमकी दे रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं कि भैया हमारा चैनल बंद हो जाए है या कछु भी। तो दीदी भैया हर हम इतना बड़ा खराब वीडियो थोड़ी बना रहे हैं, आप और सोच रहे हम क्या कर रहे हैं। और भैया गिरा गए थे तो हम बैठे बैठे बीने ले रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं बीने काफ़ी बैठे, मैं परेशानी हो गई। तो दीदी भैया कछु में डांट रहे थे कि आप बार बार गुरुदेव की शादी को टॉपिक लेके आ जाते हो, वीडियो बना लगा थो तो आपके लाने और कोई काम नहीं है, गुरुदेव की शादी 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 लगाए रहे थो। तो दीदी भैया हरो जैसे आप और इंतजार कर रहे गुरुदेव की शादी को तो हम और भी बहुत इंतजार कर रहे हैं कि जैसे हमारे सुनने में मिला था गुरुदेव की शादी होने। अब हमारे हो तो न्यूजों के दौरान सब पता चला थे, अब हम आप और बोला था कि हमने उनके रिश्तेदारों से बात करी है, कोई बोला था हमने उनकी बहन से बात करी है, कोई बोला था हमने उनके कमेंट में जो बोला था दीदी भैया हरे बोला थे कि हमने उनके कार्यकर्ताओं से बात करी है। तो दीदी हरों आप और बात करा तो आप ही के द्वारा हमें पता चला थे, तो हम मतलब जो है कि हमें जितनी जानकारी जैसे मिला थे सो वीडियो बना दे थे कि देखो गुरुदेव शादी कब कर हैं, जो तो हमें नहीं है पता, जो तो गुरुदेव जाने और गुरुदेव की माता पिता जाने, हमें नहीं है पता और ना आपके लाने पता है। लेकिन हमारे अपन इंतजार तो कर रहे हैं। और एक गुरुदेव ने एक बात बोली थी हमें अब भी याद आ गई, अब आप और सोचोगे वीडियो में कहूँ कछु बताने लगा थो। तो भैया हमारी दीदी भैया और हमारी जी ब्लॉगिंग वीडियो हैं तो हम कछु भी बोल देते, कैसे जब कछु हमें याद आ जाते सो बोल देते। अब हमारा कौन कंप्यूटर रखा हुआ है कि हम वो मैं याद देख ले हैं, वो मैं से पढ़ ले हैं फिर हम आप और हम वीडियो बने हैं। तो जैसी हमें खबर मिल जाते सो हम ऐसी वीडियो बना देते याद आ जाते जैसी। तो गुरुदेव बोल रहे थे कि एक देवी जी बागेश्वर धाम में गई, मतलब दो बहनें हती, दो बहनें हों या पड़ोसन हों या रिश्तेदार हों जो भी हों, गुरुदेव से बोली कि हमें आपको छूने हैं, स्पर्श करने हैं, गुरुदेव के लाने रात में 12 बजे दिव्य दरबार चल रहा हो। तो गुरुदेव ने जी कथा में बोली थी, अब हम आप पर हों वो वीडियो शेयर नहीं कर पे हैं वरना आप पर हम बता देते। गुरुदेव ने खुद बोली है आप और कब हम भी देखो गुरुदेव से जुड़े भाई हो, वीडियो देखा रहे तो उनके चैनल सब्सक्राइब सब कर रहे हैं, हम आप सभी कर रहे हैं गुरुदेव से जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, सनातन धर्म के लाने आगे बढ़ावे वाले हैं और हिंदू राष्ट्र प्रेमी हैं, उनके मोबाइल में सबके मोबाइलों में सब मोबाइल चैनल सब्सक्राइब करें हुई हो आप गुरुदेव को। तो वैसे ही हम आंसू कर ले यार दीदी भैया हरो, चलो नहीं करो तो कोई बात नहीं है। लेकिन वे बोल रहे थे कि दो महिलाएँ आई वो बोल रहे जबरदस्ती हम आपके आपको टच करवो चाहते हैं, स्पर्श करवो चाहते हैं। तो गुरुदेव बोले हम तो भैया वो दिन बहुत ज़्यादा फंस गए थे, एक ही वजह से हम रात में दिव्य दरबार छोड़ कर चले गए थे, वो तो गार्ड भैया हर रहते तो गार्ड भैया हर उन्हें हमारे प्राण बचा लाए, ना तर तो हो रहा तो लफड़ा। अगर देखो आप और हम पता है कि गुरुदेव कोनों भी महिला से नहीं छुपता है और मतलब छुपे की बात नहीं है, कैसे ऐसे बहुत सारे पाखंडी आदमी हैं जो गुरुदेव को बुरा सोचा थे, तो गुरुदेव को बुरा सोचा थे कि गुरुदेव के लाने या कछु भी कर दें। आप और के लाने एक बात पता हुई है कि एक जो मुसलमानी लड़की थी उनको नाम हमें याद नहीं आ रहा हुआ है, उनसे राखी बंधवाई थी गुरुदेव ने, तो कितना सारा बवाल मच गया तो कि उन्हें अपना हिंदू सनातन धर्म अपनाओ तो और उनके लाने उतरे से निकालो देगा तो मतलब
उनके धर्म वालों ने, जो मुस्लिम लड़की हती दीदी हती, उनके लाने उनके धर्म वालों ने निकाल दो तो वो गुरुदेव ने अपनाओ तो, और उनके लाने राखी बांधी थी तो बहुत सारा बवाल भी होते कुछ दिन पहले। अब आप सबको पता हुई सलमा बहन नाम तो का नाम तो फिर कछु और नाम रख दोगा तो हमें याद नहीं आ रही, बहुत पुरानी बात है जा। तो ऐसे गुरुदेव कोई से छुवत नहीं है, टच नहीं करते, लेकिन गुरुदेव बोले थे कि हम और गमछा तक उठ पकड़ के ले गए बे, उनके लाने कछु नहीं मिलो से बे गमछा ही ले गए कि गुरुदेव की कृपा हो जाए। तो दीदी भैया हरो सबर रखो, जबरदस्ती कोई के पास नहीं जाओ जाइए, पता है कि आप और उनके दर्शन करवो चाहते हो, उनके लाने छूबो चाहते हो, सब जने चाहते हैं कि उनके लाने देख ले मैं, एक नज़र देख ले मैं, देख भी के लाना बहुत बड़ी बात है। आप और तो मंच पे पहुंच गई और मंच पे पहुंचने के बाद में आप और गुरुदेव के लाने टच करने की कोशिश कर रही, तो भैया वे भी साधारण इंसान नहीं है, जब बात हम मान रहे वे इन साधारण नहीं है लेकिन इंसान हैं, समझ रहे हो। उनके ऊपर बालाजी महाराज की असीम कृपा है, एक ही वजह से आप और ऐसे करने की कोशिश कर रही हो का, ऐसे बिल्कुल न करो। और जो भी ऐसे सोचा था कि गुरुदेव को हम टच कर लें या कछु कर लें, तो भैया का हो जे है आप और छू ले हो तो आपके पाप तो जो आपने जानबूझ के पाप करे हुई हैं वो तो नष्ट हुई हैं, और जो गलती से पाप हो गए हुई हैं सभी तो गंगा में डुबकी लगे हो सो धुल जाए, गुरुदेव के दर्शन कर ले सो धुल जाए, लेकिन जो जानबूझ के प्लानिंग के साथ करे हुई हैं तो अमराज के डंडे से पाप धुल हैं, बिना वो के ना धुल है ना। आप और सोचो गुरुदेव गुरुदेव हम टच कर रहे हैं तो गुरुदेव के टच करे में हमारे पाप धुल जाए, बेजान बुझ के प्लानिंग बारे पाप कवर धुलाते हैं वो आप और पता ही उजे यमराज के डंडों से। तो ये हमने तो पाप गजान बुझ के तो कछु करूँ नहीं है, अब आज तक तो खबर नहीं हुए और करदा हुए तो पता नहीं है, माफ़ करिए भगवान। अब जब हम ऊपर जे हैं तो ऊपर से तो कछु मोबाइल वाल ले जाएगी सेवा उपलब्ध नहीं है, कछु दिन हमें सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगी प्लानिंग बन रही थी हमारी, कैसी प्लानिंग बन रही थी आप और पता है, सभी को पता है मालती चौहान को का हाल भाव बहुत पता ही है। मालती चौहान एक यूट्यूबर आती, उनको कहा स्वभाव है बहुत, तो अपन को ना दूसरे वीडियो में चर्चा कर भी, लेकिन आज तो अपनी चर्चा कर रहे थे गुरुदेव की शादी के बारे में, तो शादी को इंतजार सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। और दीदी भैया हरो आप और की लाने बता दें, गुरुदेव ने खुद बोली थी कि जनवरी महीना में शादी कर रहे हैं 2024 की शुरुआत में, तो इंतजार करो ठीक है, वीडियो हो जाए लंबो सो का हो जाए अपलोड न हुई है ठीक है। तो अब वीडियो होते ही समाप्त कर रहा है, आप और हम बता दें कि देखो इतनी सारी आँ डरे हैं का पता नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहे हुए आप तो ये सारे डरे हैं दिखा रहे हुए कितने सारे, हमने तो बीने नहीं है देखो चार पांच डले हैं बोरी में, वीडियो बनाते रहे टाइम ही नहीं मिले। अब तो चले हम घर है, हम से शाम हुए बारी है, हमारी बिटिया रानी हमें बुला रही हुई है, सो हमने भी ढूंढ ली, देखो आप और हम बता दें, देखो जाराध्या किला ने भी लव हमारे थे अमरूद बोला, तो कछु जनों की शिकायत है कि हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, तो हमारी भाषा है बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड में रहते से बुंदेलखंडी में बात कराते हैं हम कैसे। अगर आप और चाहो कि हिंदी में वीडियो बनाए तो बेसुई हम बना देते, हिंदी बोल के सुई जाना थे, और नहीं आप और कछु दीदी भैया ने बोला था कि बुंदेलखंडी अच्छी लगा थे आपकी, तो हम ऐसे बुंदेलखंडी में वीडियो बनाते, और आप और चाहो तो हिंदी में वीडियो बनाए, आप और कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जय श्री राम, कमेंट में बताइए कौन सी भाषा में बात करें ठीक है।